लगड़े चैनल थी चैनल थी, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा और शेयर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीनू नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव भीताकोट से। और सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं। और हाँ, आज मम्मी जी ने बोला प्याज गोड़ने जाना है, तो गाइस प्याज गोड़ने चलते हैं और गोबर भी ले जाऊँगी साथ में। गोबर मैंने भर दिया और अक्षु को भी सुला दिया है। अक्षु सो गया और आदि को मैंने काम करने दे रखा है। ठीक है आदि, काम करना। ठीक है, बुला उठेगा तो दादा को बुलाना। ठीक है, दादा घर में ही है। हाँ, उधर गांव में। ठीक है, हाँ हाँ मम्मी हो जाल, हाँ हाँ हुए जाल, तुम्हें तभी बोलो लो। ठीक छो, टेबल याद चाहिए मैं तो टेन तक। ठीक छो, दया माइक पूछो। ठीक छो रेसो। हाँ, ये क्या है पता नहीं। आता तो गाइज चलते हैं खेत में प्याज की गुड़ाई करने के लिए। और सासू जी तो चले गए वहाँ, तो हम भी चलते हैं। गोबर मैंने अपने लिए भर दिया है, तो मिलते हैं आपको खेत में। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और देखिए यहाँ कितने अच्छे फूल खिल रखे हैं। ये हैं सरसों पूरे, आजकल ये दिखाई देगी आपको ज़्यादा यहाँ। रास्ता देखो कुछ इस तरह से, दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में। अब करते हैं प्याज की गुड़ाई। दोस्तों हमने पूरे खेत की गुड़ाई कर ली है ये। अब इसमें हम गोबर फैलाएंगे और फिर चलते हैं घर को। 12 बज चुके हैं। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने गाय भैंसों को पानी भी पिला दिया है। और मेरा आँख शुरू उठ गया। ये क्या ला? ये वाकर, वाकर है। अच्छा आदिक है, ये है आदि का वाकर, अब अक्ष के काम आएगा। अरे चलो ना खेलो। पांच साल बाद फिर से वाकर निकल गया। यहाँ पे इस पे मिट्टी लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, आदि अपना वाकर धो रहा है अपने भाई के लिए। अब जो बड़ा होता है ना उसके लिए सब नई नई चीज़ें आते हैं, जो छोटा होता है उसके लिए सब पुरानी चीज़ें। अब जब अक्षु बड़ा होके इसको देखेगा ना फिर बोलेगा उसके लिए नया आया मेरे लिए नहीं आया। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4 और अब हम जा रहे हैं लकड़ी लेने जा रहे हैं। चरखी डहियाँ वहाँ का नाम चरखी डहियाँ है। और अभी भी यहाँ अच्छी सी धूप आ रखी है, तो चलते हैं मिलते हैं आपको वहीं चरखी ढैया में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चरखी ढैया और यहाँ तो बहुत डर भी लग रहा है, कहीं सुअर ना आ जाए। सुंगर आ जाओ सुंगर। यहाँ देखो पूरा घना घोर जंगल है यहाँ। और साक्षी को और समीक्षा को वीडियो में आने में शर्म आ रही है, बल हमें शर्म आ रही है बल।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चरखी दहिया, और ये मेरी लकड़ियाँ, और ये साक्षी कल्लू का घास, ये ले जाएंगे इसको और मैं ले जाऊंगी ये लकड़ी। और यहाँ इतना घनघोर जंगल है देखो, चलते हैं घर को। रास्ता हमारा ही ऐसा है कि दोस्तों, जब मैं ना लकड़ी लेने जाती हूँ ना यहाँ ससुराल में, तो मुझे ना अपने मायके की याद आती है, क्योंकि मेरे मायके में बहुत लकड़ियाँ लाते हैं, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और हम अपने मायके में ना बहुत लकड़ियाँ लाते थे, तो इसलिए ना मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है, और इस बार तो ज़्यादा ही आ रही, क्योंकि मैं मायके जाने वाली थी और नहीं गई, और 1.5 साल से नहीं जा रखी मैं अपने मायके। ऐसे ही हो जाता है जब सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो जा ही नहीं पाती। यहाँ तो आ ही जाते हैं हर 2-3 महीने में, तो अब ना वो वाला गाना याद आ रहा है, घुगुती घुरण लगी मेरा मैं तकी बड़ी बड़ी ऋतु, ये पता नहीं मुझे नहीं आता आगे, हाँ बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु ऋतु चेत की हो ऋतु ऋतु चेत की, डांडी काठ को हूँ गोली गे होलू मेरा मैं तको गुण मोली गे होलू। ओ मम्मी मिला मुड़ गया। तो गाइस आपको मिलते हैं घर पे, यहाँ रास्ता बहुत खराब है। तो गाइस खाना पीना भी हमारा हो चुका है, और रात के बज चुके हैं 9, और सारे के सारे सोने के लिए चले गए, मैं और सासू जी हैं यहाँ, तभी हम भी चलते हैं सोने के लिए। दगड़ियों चैनल थी लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम फिर से मिल रहा तुम तो एक नई वीडियो में। अच्छा, तो तब तक टाटा बाय बाय गुड नाइट। अच्छा टाटा बाय बाय गुड नाइट।